जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, अगर आप दिल्ली पुलिस भर्ती 2020 का इंतजार कर रहे हो तो आखिरकार आपका इंतजार खत्म हो चुका है। यहाँ पर दिल्ली पुलिस के द्वारा रिक्रूटमेंट सेल के द्वारा एक नोटिस जारी कर दिया। जी हाँ दोस्तों, जल्द ही आपकी वैकेंसी आने वाली। इस नोटिस है, ये आपके 27 पेज का नोटिस है जिसमें सारी चीज़ें मैंशन की गई है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस से रिलेटेड आपके कॉन्स्टेबल मेल और फीमेल एग्जीक्यूटिव दोनों की वैकेंसी यहाँ पर आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है रिक्रूटमेंट सेल के द्वारा। इस बार बड़े बदलाव कर दिए गए आपके सिलेबस और फिजिकल क्राइटेरिया में बड़े बदलाव कर दिए गए। सबसे पहले आपकी इस बार लिखित परीक्षा होगी और लिखित परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों का यहां पे फिजिकल लिया जाने वाला है। तो दोस्तों, सिलेबस में क्या बड़े बदलाव इस बार किए गए हैं और दिल्ली पुलिस इस बार आपकी भर्ती लेने वाली है। जी हां दोस्तों, यहां पर मैं सारी जानकारी आपको ऑफिशियल नोटिस में दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। दोस्तों, आप वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा, साथ में वीडियो लाइक जरूर कर दे और चैनल पर आप नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि आपको दिल्ली पुलिस भर्ती 2020 से रिलेटेड हर प्रकार के अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलो दोस्तों, देखते हैं सारी जानकारी। तो दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हो ऑफिशियली नोटिफिकेशन जो 16 मार्च को यहां पे जारी हुआ है रिक्रूटमेंट सेल के द्वारा। दोस्तों, दिल्ली पुलिस रिक्रूटमेंट सेल के द्वारा ये नोटिस जारी हुआ। सबसे पहले मैं दिल्ली पुलिस के कमिश्नर के सिग्नेचर दिखा देता हूं। दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हो ये 16/3 के हैं और यहां पर उनके सिग्नेचर और सील लगी हुई है। अब बात करते हैं दोस्तों मैनुअली, ये आपका ऑफिशियली नोटिफिकेशन आ चुका है। सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल और फीमेल दिल्ली पुलिस। जी हां दोस्तों, यहां पर सबसे पहले सारी जानकारी की बात करें तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपका सिलेबस के बारे में। जी हां दोस्तों, सिलेबस भी अलग अलग बात करेंगे। उससे पहले कंप्यूटर बेस्ड आपका रिटन टेस्ट होने वाला है, 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। दोस्तों, उसके बाद में फिजिकल एज्योरेंस और मेजरमेंट टेस्ट होगा जो केवल क्वालिफाइड नेचर पे होने वाला है। सबसे बड़ी दोस्तों, जो आपकी एज क्राइटेरिया में भी बहुत बड़ा बदलाव इस बार कर दिया गया है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो पहले 21 इयर्स तक भर्ती देख पाते थे, लेकिन अब उनकी एज बढ़ा के 25 वर्ष तक जनरल कैटेगरी वाले देख सकते हैं, जबकि 3 वर्ष आप इसमें ऐड कर दीजिएगा ओबीसी वाले देख सके 27 तक और 30 साल तक एससी और एसटी के कैंडिडेट दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में भाग ले सकते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं यहां पर सबसे ज्यादा, यहां पर यह भी बताया गया एज क्राइटेरिया के बाद में हम सिलेबस की बात कर लेते हैं। दोस्तों, यहां पर बहुत बड़ा नोटिस है, जो काम की चीजें हैं वो मैं आपको यहां पे बता देता हूं स्टेप बाय स्टेप। आपकी हाइट वही 170 सेंटीमीटर होने चाहिए। फिजिकल की बात कर लेते हैं। दोस्तों, फिजिकल में 1600 मीटर की आपकी रनिंग होगी, वही 6 मिनट आपको मिलने वाले, 14 फीट का लॉन्ग जंप है, 3 नो हाई जंप है। अगर आपकी एज 30 साल से ज्यादा है, मतलब आप अक्सर विस्मैन है, तो आपको थोड़ी बहुत छूट मिल सकती है यहाँ पे। फिजिकल में यही सब होने वाला है। दोस्तों, रिटर्न में बड़ा इस बार चेंज कर दिया गया। सबसे पहले मैं रिटर्न के बारे में आपको बता देता हूँ स्टेप बाई स्टेप कि आपका सिलेबस में क्या बड़ा चेंजेस इस बार किया गया है। दोस्तों, बहुत बड़ा नोटिस है, लगभग 27 पेज का नोटिस है। यहाँ पर आप देख सकते हो 4 पार्ट में आपका पेपर होने वाला, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। दोस्तों, सबसे पहले पार्ट ए की बात करते हैं तो यहां पर आपके जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स, मतलब इसमें किसी प्रकार का चेंजेस नहीं किया गया। पहले भी 85 क्वेश्चन आते थे, अभी आपके 85 क्वेश्चन आने वाले 50 मार्क्स के। पार्ट बी में यहां पर बड़ा बदलाव कर दिया गया। रीजनिंग में पहले 35 क्वेश्चन आते थे, अब आपको 25 ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 25 नंबर के। जबकि न्यूमेरिकल एबिलिटी, मैथामेटिक्स, अर्थमेटिक में किसी प्रकार का चेंजेस नहीं किया गया, 15 ही क्वेश्चन आने वाले हैं 15 ही नंबर के। लेकिन यहां पर पार्ट डी है वो अलग से जोड़ दिया गया, जिसमें कंप्यूटर के आपके फंडामेंटल, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू एंड वेब ब्राउजर आदि के बारे में आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ये आपके 10 क्वेश्चन आएंगे और 10 ही नंबर का होगा। दोस्तों, यहां पर आपको 90 मिनट मिलेगी और 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले। आपका एग्जाम होगा, सीबीटी टेस्ट होगा और यह नोटिस है, यह दिल्ली पुलिस के रिक्रूटमेंट सेल के द्वारा दोस्तों जारी किया गया। अब जल्द ही इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो जाएंगे। आशा करते हैं दोस्तों अप्रैल तक इसके जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। अगर आपके पास में अभी तक लाइसेंस नहीं है तो आप लाइसेंस जरूर बनवा लीजिएगा, नहीं तो आप इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाएंगे। लाइसेंस चाहिए दोस्तों, लर्निंग लाइसेंस, और वो भर्ती प्रक्रिया से पहले का होना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी एक मेरे द्वारा दी गई छोटी सी जानकारी। आशा करता हूं दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो लाइक जरूर कर दे और चैनल पर आप नहीं हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2020 से रिलेटेड हर प्रकार के आपको अपडेट मिलती रहे। साथ में दोस्तों, आपके कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।